नमस्कार दोस्तों, आपका आपके अपने चैनल में स्वागत है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे आप जो है वो HPU BEd फर्स्ट सेमेस्टर के लिए यहाँ पे RME फॉर्म जो है वो फिल कर सकते हैं। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए दोस्तों, करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो सबसे पहले आपने यहाँ पर जो है वो HPU की साइट को ओपन कर लेना है। HPU की साइट को ओपन करने के बाद जो है आपके पास एक ऐसा इंटरफेस शो हो जाएगा। तो आपने सीधा सा नीचे जो है वो स्क्रॉल डाउन करना है। नीचे स्क्रॉल डाउन करने के बाद आपने एकेडमिक यूनिट्स पे ऑनलाइन एप्लीकेशन पे क्लिक करना है। ऑनलाइन एप्लीकेशन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपने जो है वो पोस्ट ग्रेजुएट एग्जामिनेशन को सिलेक्ट कर लेना है। पोस्ट ग्रेजुएट एग्जामिनेशन को सिलेक्ट करने के बाद आपके पास जो है वो एक ऐसा इंटरफेस यहाँ पे शो हो जाएगा। तो आपने यहाँ पे जो आपको फर्स्ट नोटिफिकेशन दिख रहा होगा, रेगुलर एंड प्राइवेट कॉलेजेस स्टूडेंट्स टू फिल द RME रजिस्ट्रेशन, तो आपने इस फर्स्ट नोटिफिकेशन पे यहाँ पे क्लिक करना है। इस नोटिफिकेशन पे क्लिक करने के बाद आपके पास एक ऐसा इंटरफेस जो है वो शो होगा। तो आपने नीचे स्क्रॉल डाउन करना है और यहाँ पे आपको दो लिंक मिलेंगे न्यू रजिस्ट्रेशन पे। तो आपने जो फर्स्ट लिंक है उस पर क्लिक करना है। फर्स्ट लिंक पे क्लिक करने के बाद जो आपके पास एक ऐसा इंटरफेस जो है वो शो होगा। तो यहाँ पे आपने जो है वो ऑप्शन नंबर 4 BEd स्टूडेंट जो है वो सिलेक्ट कर लेना है। इसको सिलेक्ट करने के बाद जो है आपने यहाँ पे अपनी जो भी यूज़र आईडी और पासवर्ड फिल कर लेना है और आपने उसके बाद यहाँ पे लॉगिन सेलेक्ट कर लेना। लॉगिन सेलेक्ट करने के बाद आपके पास यहाँ पे आपकी एक ऐसा इंटरफेस जो है वो शो हो जाएगा, जहाँ पे फर्स्ट पे आपकी बेसिक डिटेल्स रहेंगी। तो यहाँ पे आपका नेम वगैरह जो है वो ऑलरेडी यहाँ पे फिल रहेगा। आपने यहाँ पे अपना एड्रेस जो है वो फिल कर लेना है और इसमें जो मेन आपका स्टेप रहेगा वो ये रहेगा, आर यू ऑलरेडी रजिस्टर्ड इन हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी और हैव नॉट माइग्रेटेड फ्रॉम दिस यूनिवर्सिटी। अगर आप HPU के स्टूडेंट हैं तो आपने यस पे क्लिक करना है और नेक्स्ट डिटेल फिल करके अपने नेक्स्ट स्टेप पे आपने चले जाना है। अगर आप HPU के स्टूडेंट नहीं हैं तो आपने यहाँ पे जो है वो अपने नो फिल करना है। नो फिल करने के बाद जो है आपके पास एक नई डिटेल के लिए यहाँ पे ऑप्शन जो है वो ओपन होगा। तो आपने यहाँ पे फर्स्ट पे आपके पास अगर आप किसी दूसरी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हो और आप HPU में आए हो तो आपने यहाँ के पास यहाँ पे माइग्रेशन सर्टिफिकेट जो है वो होना ज़रूरी है। तो आपने यहाँ पे माइग्रेशन सर्टिफिकेट पे यू हैव माइग्रेशन सर्टिफिकेट पे जो है वो क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद आपके पास एक ऐसी इन्फॉर्मेशन के लिए जो है वो इंटरफेस जो है वो ओपन हो जाएगा। तो फर्स्ट स्टेप पे आपने यहाँ पे अपनी जो भी यूनिवर्सिटी उसका नेम फिल करना है। नेक्स्ट स्टेप पे आपने यहाँ पे अपना माइग्रेशन सर्टिफिकेट नंबर, नेक्स्ट पे आपका कौन सी डेट को माइग्रेशन सर्टिफिकेट इशू हुआ है वो डेट फिल करनी है। नेक्स्ट जो यूनिवर्सिटी है वो फिर से फिल करनी है। नेक्स्ट आपने यहाँ पे क्लासेस बेस्ड ऑन विच यू आर माइग्रेटेड, अगर आपने वहाँ से किसी दूसरी यूनिवर्सिटी से यूजी की है तो आपने यहाँ पे ग्रेजुएशन फिल करना है। अगर आपने वहाँ से पोस्ट ग्रेजुएशन की है तो आपने यहाँ पे PG जो है वो फिल करना है। उसके बाद आपने यहाँ पे अपना मीडियम वगैरह जो वो सिलेक्ट कर लेना है और नेक्स्ट स्टेप पे आपने यहाँ पे जो है वो क्लिक करना है। उसके बाद जो है नेक्स्ट स्टेप पे आपके पास यहाँ पे आपकी एजुकेशन एंड डॉक्यूमेंट डिटेल्स जो है जो वो ओपन हो जाएगी। तो फर्स्ट पे आपने यहाँ पे अपनी इमेज अपलोड करनी है, सेकंड पे आपने अपने यहाँ पे सिग्नेचर, नेक्स्ट स्टेप पे आपने अपनी 10th की मार्कशीट, नेक्स्ट में जो एडिशनल मार्कशीट है वहाँ पे आपने अपनी ग्रेजुएशन की मार्कशीट जो है वो अपलोड करनी है। उसके नेक्स्ट जो आपने यहाँ पे अपना माइग्रेशन सर्टिफिकेट जो है वो अपलोड करना है और जो माइग्रेशन सर्टिफिकेट यहाँ पे रहेगा वो ओरिजिनल से कॉपी उसकी आपने अपलोड करनी है। नेक्स्ट स्टेप पे यहाँ पे आपका कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड करना रहेगा। ये सिर्फ उन स्टूडेंट्स के लिए हैं जो जनरल को छोड़ के अदर कैटेगरीज के में आते हैं। अगर जनरल कैटेगरी से हो आप तो यहाँ पे आपको जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो फिल या सॉरी अपलोड नहीं करना पड़ेगा। उसके नेक्स्ट आपने यहाँ पे अपनी जो भी 10th प्लस टू और ग्रेजुएशन के में जो भी मार्क्स थे वो सारी डिटेल यहाँ पे फिल करके सेव कर लेनी। उसके नेक्स्ट स्टेप में आपने यहाँ पे एप्लीकेशन समरी आ जाएगी, उस वहाँ पे आप चेक कर सकते हो कहीं पे कोई मिस्टेक तो नहीं। अगर मिस्टेक है तो आपने जो है वो उसको बैक जाके एडिट कर सकते हो, नहीं तो आपने नेक्स्ट पेमेंट पे स्टेप वहाँ पेमेंट वाले स्टेप पे क्लिक करना है और आपने वहाँ से अपनी पेमेंट कर दोगे और अपनी यहाँ पे आपका एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो सबमिट हो जाएगा। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। तो यहाँ पे अगर आप लोगों को फिर भी अपना RME फॉर्म फिल करने में कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझसे मेरे टेलीग्राम ग्रुप में संपर्क कर सकते हो, जिसका लिंक जो है मैं वो वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूँगा। धन्यवाद।